हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं, वो है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं में पहली बात हम करेंगे संविधान का आधार। तो नितान भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अब तक यह किसी भी देश में बना सबसे लंबा संविधान है। यह एक बहुत ही व्यापक दस्तावेज है तथा इसके अनेक विषय सम्मिलित हैं जो औचित्य के विचार से साधारण विधान तथा प्रशासनिक कार्यवाही के लिए की विषय वस्तु हो सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 मूलतः एक कानून था। इसका उपयोग एक मॉडल तथा एक प्रारंभिक कार्यकारिणी प्रारूप के रूप में किया गया और इसके काफ़ी बड़े हिस्से संविधान में ज्यों के त्यों समाविष्ट कर लिए गए। इसके अलावा संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा संशय, कठिनाई या विवाद रह जाए जिसके निराकरण के लिए भविष्य में विधान बनाना पड़े। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय संघीय संविधान के अलावा प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग संविधान है। इसके विपरीत भारत के संविधान में न केवल संघ का बल्कि राज्यों का भी संविधान सम्मिलित है। भारत के आकार, इसकी जटिलताओं तथा विविधताओं के कारण देश के कतिपय क्षेत्रों तथा जनता के वर्गों के लिए अनेक विशेष अस्थायी संक्रमणकालीन और विविध उपबंध करना आवश्यक हो गया है। संविधान में प्रवर्तनीय अथवा न्यायालयों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकारों का एक व्यापक चार्टर ही समाविष्ट नहीं किया गया, बल्कि इसमें उन सीमाओं का वर्णन भी किया गया जिसके अंतर्गत उनका संचालन होना चाहिए। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की सीमाएं न्यायालय के निर्णय के लिए छोड़ दी गई थी। साथ ही हमारे संविधान में राजनीति, अनेक निर्देशक तत्वों और नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण शामिल किया गया था। भले ही उन्हें न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं कराया जा सका, आशा की जाती है कि उन सभी को राज्य न्यायालय तथा नागरिकों को मार्गदर्शन मिलेगा। वस्तुतः इधर कुछ वर्षों से न्यायालय ने उसे अर्थ और महत्व दिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।